हुक्म करे मेरे पुलिस में है? नहीं भाई, मेरे अंकल हैं। क्या है आपके अंकल करते हैं? अंकल मेरे हैं। क्या करते हैं आपके अंकल? कुछ नहीं करते भाई, सॉरी, जाने दो, प्लीज जाने दो भाई, मैं ही छोड़ दें, छोड़ दें, ना करें ना। डेजिग्नेशन क्या है? सॉरी भाई, जाने नाम दो, बताएं, प्लीज जाने दो बताएं। हम लोग वो लोग नहीं है, मैं रिंग रोड पुलिस भाई, रिंग रोड पुलिस में आपका नाम क्या है? सॉरी भाई जान, बाहर निकलें। सॉरी भाई, बाहर निकलें भाई जान, जाने दो प्लीज, पॉसिबल ही नहीं है, प्लीज बाहर निकलें, प्लीज जाने दो, प्लीज जाने दो। पीछे शराब निकालें गाड़ी से? वो नहीं है भाई, बाहर आए, मैं कह रहा हूँ प्लीज जाने दो। सर है आपकी गाड़ी में? प्लीज जाने दो, आप बाहर आए, आप पुलिस पुलिस एहलकार है ना? प्लीज, हम लोग गाड़ी के करप्ट लोग नहीं है, आपको पता है हम सर करप्ट लोग नहीं है, शराब लेके जा रहे हैं, सफेद नंबर प्लेट लगा के यार भाई, प्लीज आप प्लीज भाई जान प्लीज, बस मैं कह रहा हूँ, प्लीज क्या होता है, आपकी दाढ़ी को आता प्लीज, प्लीज भाई आप भी, आप प्लीज प्लीज, मैं हम लोग वो नहीं है प्लीज, आप लोग आपको पता है हम लोग प्लीज, हम लोग करप्ट लोग नहीं है, हम करप्ट का इशू नहीं, इधर बात, इधर बात क्या होता है यार, आप डिग्गी खोलेंगे गाड़ी की, आप कौन है, आप करप्ट तो करा, चलें आप इस तरह प्लीज, नहीं मैं नहीं पूछता, आप प्लीज जाने दें, आपका नाम क्या है, इधर आप, आपका नाम क्या, दिखा भाई जी, ये भाई है, क्या कर, इसने मुझे कहा है कि जो है ना, दिखा अपना परमिट, भाई को दिखा दे सर, एक सेकंड, दिखा दे, दिखा दे, इसने मुझे कहा है, मैंने कहा नहीं भाई, ये भी रिंग रोड का मुलाजिम है, अच्छा है, मैं भी रिंग रोड का मुलाजिम हूँ, प्लीज प्लीज, ये दाढ़ी को, बाकी बाकी आप सबर करें, बाकी आप छोड़ दें, ये रिंग रोड का मुलाजिम है, रिंग रोड में आपकी क्या मुलाजमत है सर? मैं सफाई करता हूँ, खाक रोप है, आपका क्या डेजिग्नेशन है यार, प्लीज अपना नाम और डेजिग्नेशन, प्लीज प्लीज, बस मैं बस कह रहा हूँ ना, प्लीज अपना नाम और डेजिग्नेशन, आपने ये देख लिया ना इसका सर, वो उसका है ना, आप मेरे पास कुछ नहीं है ना, आप जिस गाड़ी में ले जा रहे हैं मेरे भाई, एक सेकंड, ओ भाई कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर वो जाने उसका, आप गाड़ी गाड़ी की डिग्गी खोले, परमिट सर, एक मिनट, परमिट है, आप डिग्गी खोले, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात, आप कैमरे हटाएं, कैमरे नहीं हटेंगे, इसकी डिग्गी खोले, कैमरे हटाएं, मैं डिग्गी खोलता हूं, अच्छा जी, सरकारी नंबर प्लेट है जी, गाड़ी के पीछे सबज, ये पकड़ ले यार, सबज रंग की नंबर प्लेट है जी, इस नंबर प्लेट को हम नॉर्मली समझते हैं कि ये हमारे तहफ्फुज़ के लिए यहाँ पर होती है, नंबर है जी एल, अच्छा जी नंबर प्लेट भी तोड़ दी, पुलिस ऊपर लिखा हुआ है, अब इसकी डिग्गी खोलें, अब तो खुश हो, डिग्गी खोलें ये, अब प्लीज रहने दो, आप प्लीज, आप चाबी दें, आप प्लीज रहने दो, आपने मेरी बात सुन ले, अब आपने मेरी बात तो सुन ले, अब तो हाथ नहीं, आप मेरी, मैं आपको हाथ नहीं लगा रहा, आप ही आप प्लीज, मैं आपके हाथ को हाथ लगा देता, आप तो सुन, आप हाथ नहीं ले, आप तो सुन ले, पीछे हो जाओ, आप प्लीज जाने, पीछे हो जाओ प्लीज भाई, प्लीज 15 पे कॉल करो यार, आप दोस्त, आप ऐसा करो 15 पे कॉल कर लो, इसे छोड़ दो यार, बुक्स तो देख लो, मेरी पीछे बुक्स पड़ी हैं और सारा कुछ पड़ा, एक सेकंड, मैं बुक्स, बाकी बाकी परमिट के अलावा अगर आप नुकसान करोगे ना दोस्त का, सर नुकसान नहीं आपको, ये मेरी बुक्स देख लो, पढ़ने वाला मैं स्टूडेंट हूँ, बाकी आप वो उसका परमिट के अलावा नहीं पड़ेगा, आप चेक कर सकते हो, आप जब मर्जी चेक कर लो ना, इसे खोलो ना यार, ये तोड़ो ना, उसका गरीब का नुकसान है यार, उसका परमिट, एक सेकंड, कितने का परमिट है, आप देखा परमिट, एक, छह का परमिट है, छह का परमिट, छह बड़ी बोतलों, तीन, गिन सकते हो शॉप पर, एक सेकंड, एक सेकंड, अगर परमिट से ज्यादा हो तो आप फिर कहना, पांच, छह का परमिट पूरा, ये हाफ का नहीं होता, छह सर, एक सेकंड, छह बड़ी का होता है, बारह हाफ का होता है, बारह हाफ का होता है, इसे एक ज्यादा हो ना यार, नौ, दस, गरीब का नुकसान ना करो, 11, इससे एक भी ज्यादा होना बता देना, 12, ये परमिट चेक कर सकता है, अच्छा जी ये सरकारी गाड़ी है, सरकारी नंबर प्लेट बुनियादी तौर पे इसको लगी हुई है, जो कि प्राइवेट कार पे है यार, और वैलेंटाइंस की तैयारी है वो पुलिस कर रही है, जिस पुलिस की जिम्मेदारी आम आदमी को तहफ्फुज़ देना था यार, भाई नहीं, आपने देखा कि नंबर प्लेट तोड़ के फेंक दी, गुस्सा भी किया, धमकाया भी, झूठ बोल रहे हैं यार आप, क्या झूठ बोल रहे हो, ये परमिट उसका है, गरीब आदमी का, सर एक सेकंड, परमिट उसका, गरीब उसका है, ठीक है ना, ये उसी के पास ही निकला है ना, उसी के पास सामान निकला है, उसने फिर मुझे, आप सरकारी नंबर, भाई मैं, मेरा तो कोई कंसर्न नहीं है, दूसरी तरफ आ जाते हैं कि ये आपको सबज नंबर प्लेट प्राइवेट गाड़ी को लगाने की इजाजत किसने दी, भाई किसी ने दी, मैंने गलती से लगाई, कैसे लगाई, उतार दिया, आगे तो अभी भी लगी हुई, वो भी उतार दो, उतारे अभी, उतारे, सबज नंबर प्लेट लगा के आप शराब के सप्लायर बने ले, शर्म आनी चाहिए भाई, अपना आप नाम भी बता दें, बस आप छोड़ दें, आप रिंग रोड के मुलाजिम है ना, गरीब आदमी को, सर आप गरीब आदमी की बात करें, गरीब आदमी का चेहरा दिखा के आप शराब की सप्लाई देते हैं, नहीं है उसका परमिट है भाई, आप शराब की सप्लाई कैसे, आप देख, सर एक सेकंड, आप सबज नंबर प्लेट लगा के शराब की सप्लाई, आप देख तो लो ना, उसकी तो गरीब की तो सुन लो, सबज कह देना, गरीब को बेच बेच के यार हर किसी ने कौम को खुआर कर दिया है, आप सबज नंबर प्लेट लगा के शराब ले जाते हो और कहते हो गरीब बंदे का मसला है, सॉरी प्लीज,
आप मुसलमान हैं? आप उसका आप मुसलमान हैं या नहीं? उसकी वापस कर दो। आप मुसलमान हैं या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। शराब आपकी है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। शराब अपनी उठाओ। शराब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। हमारा काम है आपको एक्सपोज करना। नाम बताएं भाई जान, सॉरी। नाम बताएं, आप नाम बताएं। मुश्किल कर रहे हैं अपने आपके लिए। यार मेरे लिए क्यों? आपने जैसे आप नाम बताएं। आपने जैसे का मैंने मान लिया सर। आप नाम बताएं। आपने जैसे का आपका नाम कोई है? इसका नाम क्या भाई? गरीब साहब मुजाहिद। मुजाहिद नाम है इनका। क्या डेजिग्नेशन है इनका रिंग रोड पुलिस में? दोस्त सर, रिंग रोड पुलिस में इसका ओहदा क्या है? दोस्त मैं नहीं कहीं जा रहा, भाई को सिर्फ वो डालने दो। भाई को सिर्फ डालने दो। क्या डालने दूं? वो उसकी चीज, मुझे भाई उसकी चीज, उसकी चीज। शराब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उठाओ भागो। आसान होगा। एहसान किस बात? प्लीज एहसान किस बात का? आप मुझे अपना नाम, मुजाहिद है आपका नाम? प्लीज भाई, आपकी ड्यूटी रिंग रोड की किस सर्कल में? सगिया में। बस डेजिग्नेशन प्लीज, अब माफ डेजिग्नेशन प्लीज, अब प्लीज जाने भाई। डेजिग्नेशन क्या है? मैं आपसे तो मोहब्बत नहीं बांट रहा। जो आप मुझे बताना चाहें तो बता दे, नहीं तो नहीं। भाई जान आप मेरी बात सुनेंगे? आप अपनी सुनाई जाने, मेरी नहीं सुनेंगे? सुनाए। अपनी सुना ली ना? आप सुनाए। आपने कहा ये उतार दो, गलत है, मैंने उतार दी ना। अच्छा ठीक है ना। बाकी अब मेरा प्लीज अब जाने। बस इतना ही मैं कहूंगा, और कुछ? डेजिग्नेशन इतना होगा। आप मुझे अपना नाम और डेजिग्नेशन, अपना कार्ड दिखा दो। कार्ड नहीं है। सर्विस कार्ड? कार्ड नहीं है। फिर नंबर प्लेट? यार ये यार ये शराब के सप्लायर कैसे बने? भाई नहीं बन रहा था। मैं नहीं बन रहा हूँ। और क्या बने? कुछ नहीं बना हुआ। प्लीज अब जाने। बोतलें तुम्हारी गाड़ी से निकल रही हैं। उसके परमिट के मुताबिक मेरे सामने आपने अंदर लोड की हैं। उसके परमिट के मुताबिक सर, परमिट कौन सा? उसका आपने देखा? कैसे गेट उसका है? अगर उसका बिजनेस है तो वो सबज नंबर प्लेट लगा के नहीं यहाँ पे मिले है। उसने कहा सबज नंबर? मेरी बात सुनोगे? मेरी बात सुनोगे? मैं आया हूँ होटल में। अच्छा भाई यहाँ पे ठहरा था। अगर मैं आपको सर फुटेज भी दिखा दूँ, जब बार में आप उसके साथ ले रहे हैं और उसके बाद आके आपने डिगी में रखी है, वो फुटेज प्लीज अब जाने दो। हुआ कि नहीं हुआ? बाहर से आप लोगों ने इकट्ठे खरीदी? नहीं, मैं उसके साथ वहीं पे ठहर गया हूँ बस। बार में आप दोनों इकट्ठे थे या नहीं? यार ठहरा हूँ मैं उसके साथ, मैंने तो नहीं खरीदी है ना। मुझे कौन देता है यहाँ? सर एक सेकंड, पैसे किसने निकाल के दिए मुझे यहाँ पे? कौन देता है पैसे? किसने निकाल के दिए? फुटेज मेरे पास है, मैं अंदर से आपको पकड़ के आया हूँ। पैसे आपने दिए? अच्छा आप जाने दो ना प्लीज यार। भाई आपने दिए? अच्छा फैसल भाई आप जाने दो ना यार। पैसे किसने? प्लीज जाने दो ना। पैसे किसने? खुदा के लिए जाने दो। पैसे किसने दिए? इतना ही होता है, बस करो। इतना ही क्या होता है? प्लीज यार, आपकी फरमाइश चल रही है। प्लीज ये लो 15 पे कॉल की यार। प्लीज यार बुलाए। वो शराब किधर है? किधर आ गया यार? प्लीज यार सर एक सेकंड, प्लीज क्या होता है? जाने दो ना आप यार। जो आपका दिल करेगा वो करेंगे यार। ये वर्दी आपको किस लिए दी गई थी? की मतलब इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, निकल जा। नहीं मैंने उसे कहा उधर होके ठहर जा। अपनी उसके पास तो परमिट है, वो कहां जाएगा? वो कहां जाएगा? उसका परमिट है, छोड़ दो उसको। देने उसकी चीज है ना यार, ये आप उससे ले सकते हो। उसकी चीज है। आप एक सेकंड खामोश। ये उसकी चीज है? उसकी नहीं है आपकी। इसकी पेमेंट आपने की थी मेरे पास? मुझे को देता है? मुझे को देता है भाई? पेमेंट आप मुझे को देता है? जाने दो प्लीज। आप तो नहीं जा रहे भाई। प्लीज भाई नहीं जा रहे। प्लीज भाई सर आप चले गए ना, इसका मतलब ये होगा कि फिर हम फारिग हो? नहीं आप फारिग हो गए, आप कहीं नहीं जा रहे यार। आप ऐसे ना करो, हमने आप लोगों के साथ कभी ऐसे किया? मीडिया वाले आप कितना एहतराम करते हैं आपका? आप मेरे पे एहसान करते हैं? नहीं आप सरकारी मुलाजिम हैं। सरकारी मुलाजिम हैं। हमने कभी आपसे कभी हमने आपके साथ ज्यादती की हो? आप तनख्वाह लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। और हम गाड़ियों को सबस नंबर नहीं लगाते तो उतार दिया? आप किस सप्लाई देते हैं? नहीं देते। अभी क्या हो रहा था? अभी क्या हो रहा था? नहीं है यार मेरा नहीं है कोई नाम। मुजाहिद साहब आपका नाम अगर मुजाहिद है तो अपना डेजिग्नेशन और नाम यार प्लीज हट जाओ सर। या कल से आप सर्विस पे जाएंगे या मैं? यार ऐसे ना करो ना भाई। नहीं भाई ऐसे नहीं होगा। ऐसे ना करो ना। ऐसे ही होगा। प्लीज ना करो। क्या बात है? प्लीज ना करो। निजाम को इतना तबाह कर दिया सरकारी मुलाजिम ने, जब बात होती है फौरी तौर पर हम दूसरे कंधे ढूंढते हैं जिन पे गुनाह फेंकते हैं। यार नहीं करो ना प्लीज। आप सर पुलिस का तो वेट करेंगे यार, जाने दो ना। अच्छा नाज़रीन तकरीबन 20 मिनट के करीब हो चुके हैं, 20 मिनट के करीब हो चुके हैं इस मामले को चलते हुए, और अभी साहब फरार होने लगे, निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस शाही पुलिस के उड़न खटोलों का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ डेविस रोड पर कितनी देर में पहुंचे? कितनी देर में वो आम आदमी को चूना लगाने वाले इस सरकारी मुलाजिम को अरेस्ट करने के लिए आए? गाड़ी आगे पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं सर। रहनुमाई ये करें कि शराब कहाँ जा रहे हैं भाई? इधर जाओ, मुझे जाने दो आप। अच्छा आप मुझे ऐसे नहीं रोक सकते? आप किस अख्तियार के तहत रोक रहे हो? आप कहीं नहीं। किस अख्तियार के तहत? आप मुझे अख्तियार के साथ आप शराब लेके जा? मैं नहीं लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल भाई मेरी एक नहीं है। जिस अख्तियार से मेरे भाई भाई मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, भाई मैं नहीं से रोक रहा हूँ जिससे आप शराब लेके जा रहे हो।
यार मैं नहीं लड़ाई कर रहा हूं, भाई लड़ाई कर रहे हैं यार। आप लड़ाई करेंगे ना तो हर बंदा लड़ाई पे आ जाता है। ऐसा नहीं करना, आप शराब की सप्लाई दे रहे हैं। नहीं दे रहा हूं ना भाई, मैंने क्या करना है यार कि अगर एक सरकारी नौकर अपनी प्राइवेट गाड़ी को सबज नंबर प्लेट लगा के शराब लेकर जाएगा, आम बंदा कर लेगा। असल में इनकी वजह यह है कि ये हमारे सारे कानून की कमजोरी है कि एक कितना इजाजत देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि कितने आधे घंटे से आप रुल रहे हैं, कोई किसी का इशारा कोई नहीं आ रहा है जी। फाइनली इंतजार हो रहे हैं लेकिन पुलिस यहाँ अभी तक नहीं पहुंच सकी है। तकरीबन इस मामले को 20 मिनट के करीब गुजर चुके हैं, गाड़ियां मौजूद है, शराब बरामद हो चुकी है। पुलिस एहलकार खुद अपनी सर्विस कैप स्टीयरिंग के साथ डैशबोर्ड पर रख के सबज नंबर प्लेट सजाए ये तमाम मामलात कर रहे हैं। वजह क्या है कि हमारे पेटी भाई हमें ना रोके। पुलिस की गाड़ी सामने से गुजर गई थी, आई और गुजर गई पीरू स्क्वाड वन कार, पीरू स्क्वाड वन मौके पर आई और उसके बाद चली गई। ये सिचुएशन है जी। अगर कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाए इस मुल्क में तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? डॉल्फिन एहलकार जा रहे हैं जी, नो वन इज रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वजह क्या है कि पुलिस एहलकार है। आप तो जाने लो पुलिस भाई, आप तो जाने लो। कहाँ जाना है? आपने कर लिया ना? पार्टी करने जाना? मैंने ड्यूटी पे जाना है भाई। ड्यूटी पे जाना है? शराब साथ लेके? नहीं भाई नहीं, अल्लाह का। अच्छा, अब यही कह दो इसको लिफ्ट उतारना है। इसको कहें लिफ्ट? यार लिफ्ट नहीं, ऐसे यहाँ पे, यहाँ पे मुझे मिला है ये। कहाँ? यहीं पे होटल में। होटल में? अच्छा, इतना बता दिया ना होटल में आपको। बाहर में आप इकट्ठे क्या कर रहे थे? यार मैं जानने वाला, मैं इसलिए बाहर में आप क्या कर रहे थे भाई? साथ लेता जाऊंगा क्योंकि मुझे बाहर में इसका परमिट है। मैं तो गैर कानूनी चीज नहीं लेके जा रहा हूँ। आप गैर कानूनी चीज नहीं लेके जा रहे? उसके लिए तो कानूनी है ना। खुदा से डरो, सबज नंबर प्लेट लगा के क्या कर रहे हैं? बस उतार दी ना आपके कहने पे। मैं आपको कह रहा हूँ कि उसके लिए कानूनी है, मेरे लिए तो गैर कानूनी है ना। तो आपकी डिग्गी में कैसे है यार? उसके साथ पहली बात, एक सेकंड, सबज नंबर प्लेट इलीगल, पुलिस आ गई जी। फाइनली दे आर हियर, जिनका इंतजार था वो आ गए। आ जाए भाई साहब, इधर आ जाए। आप नहीं है? जाओ जी, जाओ जी। फाइनली वो भी नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मैं आखिरी बात करके, क्योंकि मैं पानी में मदानी डालने पर यकीन नहीं रखता, उस्मान गुजदार टोंसा से आपको लाया गया, वजीर आला पंजाब बना के बिठाया गया। इमरान खान साहब अवाम के दरवाजों पर वोट की भीख मांगने के बाद बाकी सियासतदानों की तरह आपने वजारत उज़्मा संभाली और आईजी पंजाब साहब, पांचवें आईजी पंजाब इस तब्दीली के, जनाब आप तमाम बड़ों की सरपरस्ती में पुलिस खुद शराब लेकर जाती है, इस्तेमाल करती है, बेचती है और अब मुझे लगता है कि थानों में शराब कम पड़ गई है। अब मैं इस शेर जवान को, जो कि नाम निहाद मुहाफिज है, इसको जाने की इजाजत देता हूँ।